हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर मंडान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सेलकोनिक कंपनी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेलकोनिक नई नई चीज़ आपके लिए लेके आता रहता है, तो इस दिवाली एक और धमाका यहां पर सेलकोनिक ने किया है। अब तक आप जानते होंगे कि जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है वो आता है गैलेक्सी 7G, यानी कि गैलेक्सी 7G टेक्नोलॉजी ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है और इस इन्वर्टर को आप जानते होंगे। लेकिन इस दिवाली गैलेक्सी 7G टेक्नोलॉजी में भी एक अपग्रेड आया है और यहाँ पर कंपनी ने लॉन्च किया है उस अपग्रेड के साथ एक नए इन्वर्टर को, जो कि है गैलेक्सी 7G प्रो। जैसा कि आप जानते हैं, प्रो मॉडल में हमेशा आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, तो आज इस वीडियो में मैं सिर्फ बात करूँगा गैलेक्सी 7G प्रो की। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। तो बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं कि इस नए गैलेक्सी 7G प्रो के अंदर आपको क्या अलग देखने को मिलता है, जो कि आपको गैलेक्सी 7G में नहीं मिलता था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कितने किलोवाट का इन्वर्टर है। तो ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है और ये उठा सकता है आपका 6.5 किलोवाट तक का लोड। जी हाँ, ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है और 6.5 किलोवाट तक का ये लोड ले सकता है। ये इसमें एक अपग्रेड आया है, जबकि जो आपका गैलेक्सी 7G है वो सिर्फ 6 किलोवाट तक का ही लोड ले सकता था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इसके ऊपर आप पैनल कितना लगा सकते हैं, तो जो सबसे बड़ी खास बात जो 7G टेक्नोलॉजी की थी कि हम 5 किलोवाट इन्वर्टर के ऊपर 9 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगा सकते थे, तो यहाँ पर भी ये एक बेस्ट है। तो यहाँ पर ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है और इसके ऊपर भी हम 9 किलोवाट का सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसके अंदर भी हमें वैसे ही डबल MPPT जो है वो देखने को मिलते हैं। हम दोनों MPPT के ऊपर अलग अलग स्ट्रिंग लगा सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं इसकी वोल्टेज और एम्पियर की बात करूँ, तो यहाँ पर इसकी वोल्टेज है 120 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट और यहाँ पर एम्पियर आपको मिल जाते हैं 18 एम्पियर पर MPPT। यानी कि आप कितना भी जो बड़ा पैनल है वो इस इन्वर्टर के ऊपर लगा सकते हैं। आप चाहे 700 वोल्ट का पैनल लगाएं, 750 वोल्ट का पैनल लगाएं, जितना भी बड़ा पैनल इस टाइम इंडस्ट्री में अवेलेबल है वो आप इस गैलेक्सी 7G प्रो के ऊपर लगा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट बात है कि वारंटी आपको क्या मिलेगी। तो देखिए, गैलेक्सी 7G में आपको 5 साल की वारंटी मिलती है और जितने भी यहाँ पर सेलकोनिक के इन्वर्टर हैं सभी के ऊपर आपको स्टैंडर्ड 5 साल की ही वारंटी मिलती है। लेकिन गैलेक्सी 7G प्रो के अंदर कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा एडवांस यहाँ पर कंपोनेंट्स लगाए हैं, जिसकी वजह से कंपनी ने इसकी वारंटी को भी एक्सटेंड किया है। यानी कि गैलेक्सी 7G प्रो की आपको यहाँ पर 6 साल की वारंटी मिलने वाली है और ये इस इंडस्ट्री में अब तक की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वारंटी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं और बताते हैं कि इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग कैसी है। तो इसके अंदर आपको दुनिया की बेस्ट ऑनलाइन मॉनिटरिंग मिल जाती है और इसके अंदर आपको एक फैसिलिटी कंपनी और देती है, जिसको हम बोलते हैं रिमोट कंट्रोल। जी हाँ, गैलेक्सी 7G में हमने रिमोट कंट्रोल दे दिया है। यानी कि जब आप इन्वर्टर परचेज करते हैं तो आपके हाथ में उसके साथ एक रिमोट कंट्रोल भी आ जाता है, जो कि आपको ऐप में मिलेगा। अब आप अपने घर से कितना भी दूर हों, चाहे आप विदेश में हों, तो वहाँ से भी अपने इन्वर्टर की जो कंप्लीट सेटिंग है वो आप कर सकते हैं। जो भी आप इसकी डिस्प्ले पर सेटिंग कर पाएंगे जब आप इसके पास हो, वही सारी की सारी सेम सेटिंग आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा अपग्रेड है, जबकि जो गैलेक्सी 7G है उसके अंदर आपको कंप्लीट जो है एक्सेस है वो नहीं मिलता था। तो इस कंडीशन में भी गैलेक्सी 7G प्रो कहीं ज़्यादा एडवांस हो जाता है इस 7G टेक्नोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं इसकी पैरेलल कैपेसिटी की। तो देखिए, जो गैलेक्सी 7G है वो हम सिर्फ सिंगल फेज के अंदर ही यहाँ पर कनेक्ट कर पाते थे, यानी कि हम सिंगल फेज के अंदर इसको पैरेलल कर पाते थे जब हमें इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना होता था। तो गैलेक्सी 7G प्रो के अंदर इस कमी को भी दूर कर दिया गया है और यहाँ पर आप गैलेक्सी 7G प्रो को सिंगल फेज और 3 फेज, जी हाँ, सिंगल फेज और 3 फेज दोनों के अंदर पैरेलल कर सकते हो। 16 यूनिट तक आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो और एक बड़ा सिस्टम सिंगल या 3 फेज के अंदर बना सकते हो। तो इस कमी को दूर करने के बाद गैलेक्सी 7G प्रो एक बीस्ट बन जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसा कि गैलेक्सी 7G के अंदर कोई भी फैन नहीं दिया जाता, बिल्कुल इसकी जो कूलिंग होती है वो नेचुरल कूलिंग होती है।
तो यही सेम कंसेप्ट गैलेक्सी 7G प्रो के अंदर भी रखा गया है। इसके अंदर भी आपको कोई फैन नहीं मिलता है और जो भी कूलिंग होगी वो बिल्कुल नेचुरल कूलिंग होगी, जिससे कि ये बिल्कुल नॉइस लेस हो जाता है। ये दोनों ही इन्वर्टर बिना शोर के चलते हैं, क्योंकि कोई फैन नहीं है तो कोई शोर भी नहीं है। अब हम बात करते हैं इस इन्वर्टर की डिस्प्ले की। जहां गैलेक्सी 7G में आपको कोई टच डिस्प्ले नहीं मिलती थी, लेकिन गैलेक्सी 7G प्रो के अंदर यहां पर आपको टच डिस्प्ले मिलती है, जिसके ऊपर आप सभी फंक्शंस को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स की डिमांड थी कि हमें एक टच LCD ही चाहिए, जिसके ऊपर हम सारी सेटिंग डिस्प्ले से ही कर पाएँ। जबकि गैलेक्सी 7G के अंदर आपको जो सारी सेटिंग्स थी वो अपने फ़ोन से करनी पड़ती थी, अब गैलेक्सी 7G प्रो के ऊपर आप फ़ोन से भी सारी सेटिंग्स कर सकते हैं, जबकि आप डिस्प्ले के ऊपर भी सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन दोनों के ऊपर आप कौन सी बैटरी का इस्तेमाल करोगे। देखिए गैलेक्सी 7G के ऊपर आप लेड एसिड लिथियम कोई भी बैटरी लगा सकते थे, तो सेम गैलेक्सी 7G प्रो को भी यहाँ पर रखा गया है, तो इसके ऊपर भी आप कोई भी लेड एसिड बैटरी यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी लिथियम बैटरी यूज़ कर सकते हो। ये दोनों के साथ ही कम्युनिकेट करता है और इस इन्वर्टर के ऊपर आप 60 लेड एसिड बैटरी तक भी लगा सकते हो, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, ये कितनी भी बैटरीज को आसानी से चार्ज कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि इस इन्वर्टर के अंदर आपको कितनी आउटपुट मिलती हैं। तो गैलेक्सी 7G प्रो के अंदर आपको यहाँ पर डबल आउटपुट मिलती हैं, एक आउटपुट आपकी नॉर्मल लोड, दूसरी आउटपुट आपकी स्मार्ट लोड। और ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल लोड के ऊपर आप कम लोड उठा पाएंगे, तो नॉर्मल लोड के ऊपर भी आप पूरा 6.5 किलोवाट का लोड चला सकते हैं और स्मार्ट लोड के ऊपर भी आप पूरा 6.5 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या होता है कि नॉर्मल लोड से जनरली हम अपना जो क्रिटिकल लोड होता है, जैसे हमारे लाइट, टीवी, फैन, उनको हम जोड़ते हैं, और जबकि जो स्मार्ट लोड होता है, स्मार्ट लोड के ऊपर हम अपने हैवी अप्लायंसेस, जैसे हमारे एयर कंडीशन हो गए, हमारे गीज़र हो गए, उनको हम जोड़ते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर बैटरी लेवल आने पर अपने आप ही जो स्मार्ट लोड है वो बंद हो जाता है और जो आपका क्रिटिकल लोड है यानी कि जो आपका ज़रूरत का लोड है वो चलता रहेगा। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है आपको रात को, जब आपकी फैमिली आराम से सोई हुई होती है तब आपको इस ड्यूअल आउटपुट का बेनिफिट मिलेगा। अगर कभी रात को लाइट चली गई तो एक पर्टिकुलर बैटरी लेवल आने पर जो आपके हैवी लोड है वो बंद हो जाएगा, और जबकि जो आपके ज़रूरत का लोड है, जैसे आपकी लाइट हो गई, आपका फ़ैन हो गया, वो चलता रहेगा, जिससे कि आपकी फैमिली को पूरी रात कोई भी तकलीफ नहीं होगी, वो आराम से सो सकते हैं। तो इस बात को भी आप इन्वर्टर खरीदने से पहले ध्यान रखिएगा कि आप सिंगल आउटपुट का इन्वर्टर खरीद रहे हैं या फिर डबल आउटपुट का। तो आइए अब बात करते हैं कि इतने ज़बरदस्त यानी कि गैलेक्सी 7G प्रो इन्वर्टर को आप खरीद कैसे सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप इस इन्वर्टर को बाय करना चाहते हैं तो इस प्रोडक्ट को बाय करने के यहाँ पर दो तरीके हैं, एक है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। अगर आप इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट www.selconic.com से इसको बाय कर सकते हैं, या फिर अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर सेलकोनिक की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से भी आप इस इन्वर्टर को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑफलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो आप कंपनी के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से इसे परचेज कर सकते हैं। अपने नज़दीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर कंपनी की ईमेल आईडी contact@selconic.com पर भी आप ईमेल कर सकते हैं, तो वहां से भी आपको रिप्लाई आ जाएगा। अगर आपको गैलेक्सी 7G प्रो पसंद आया है तो आप इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ के साथ इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो अपने घर के लिए इस दुनिया का सबसे जो एडवांस इन्वर्टर ढूंढ रहे हैं तो वो है गैलेक्सी 7G प्रो, और यहाँ पर उनकी तलाश हो जाती है ख़त्म। तो दोस्तों, जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।